गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए लगातार बात चल रही है और सार्थक बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अपने हैं, सीए और एनआरसी की तरह किसानों को बरगलाने का कार्य विपक्ष ने किया है। नरोत्तम मिश्रा ने सेंट्रल जेल भोपाल में नवीन आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है, पुलिस ने अपहृत बच्चे को भी रिहा कराया और अपहरणकर्ता को भी पकड़ा। उन्होंने कहा सरकार ने डाकू समस्या और नक्सली समस्या दोनों को ही नियंत्रित किया है और इस पर कार्यवाही नियमित रूप से चल रही है। पिछले दिनों बालाघाट में भी कई नक्सली समस्याओं का निवारण किया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने किसानों की समस्या को लेकर कहा कि समाधान के लिए लगातार बात चल रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद एक प्रमुख माध्यम होता है। भोपाल गैस त्रासदी को लेकर उन्होंने कहा कि त्रासदी में जो लोग नहीं रहे उनको नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। सरकार गैस पीड़ितों की मदद के लिए अभी आवश्यक इंतजाम कर रही है। पुलिस को शिवप्रीकी को बधाई कि उन्होंने अपराध को भी छुटाया और डाकू को भी। पुलिस पूरी मुस्तैदी से, अभी आपने देखा होगा इसके पहले बालाघाट में नक्सलाइट और बहुत बड़ा नक्सलाइट इनामी गैंग, उसको भी पकड़ा भी, धराशायी भी किया और नक्सलाइट के पूरे मूवमेंट को अभी हमारी पुलिस लगातार जंगलों में भी सर्च कर रही है। डाकुओं के प्रति अभियान और नक्सलाइट के प्रति अभियान, ये दो जो एक समय में स्थायी समस्याएँ थी उन दोनों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर रहे हैं। बातचीत लगातार जारी है, सार्थक बातचीत हो रही है। आज भी वार्ता हमारे केंद्र सरकार के मंत्रीगण करने वाले हैं। किसान हमारे अपने हैं, मार्ग निकल ही आएगा। लोकतंत्र के अंदर संवाद एक प्रमुख माध्यम होता है और संवाद के द्वारा ही हल निकलेगा। आज वास्तव में वो दिन है जब उस लोग जो अकारण काल कवलित हो गए थे मानवीय भूल और मानवीय त्रुटि के कारण से, इसलिए उनको विनम्र श्रद्धांजलि, उनको नमन। सरकार लगातार उनके लिए, मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास भी कर रही है। नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि नशे के व्यवसायियों की धरपकड़ प्रदेश में लगातार की जा रही है। रीवा में भी कोरेक्स का धंधा करने वालों पर कार्रवाई की गई है, एफआईआर आपके द्वार पर। उन्होंने कहा कि अभी मध्य प्रदेश के कुछ चिन्हित जिलों में यह कार्य चल रहा था, पर अब यह कार्य प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सेंट्रल जेल भोपाल में नवीन आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। नवीन परिसर 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा का स्वागत महिला बंदियों की नन्ही बालिकाओं ने किया, जिसके बाद नरोत्तम ने उन्हें उपहार दिए। अभियान प्रारंभ हो गया है हमारा। 26,000 बोतल अभी हमने कोरेक्स की रीवा में पकड़ी है। कोरेक्स एक ऐसी चीज है जो छोटे बच्चों को ज्यादा अपने उसमें पकड़ रही है। इसी अभियान में अभी सतना सीधी में गांजे के बड़ी खेपें पकड़ी गई। इसको विस्तारित करके नशे की चंगुल से नौजवान मुक्त रहे, ऐसे लोग जो इस व्यवसाय को कर रहे हैं, व्यापार को कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो अपने छोटे केसों के लिए एफआईआर आपके द्वार अभियान कल मैंने तय किया है कि सिंगरौली में, अभी तक ये कुछ चिन्हित जिलों में चल रहा था एफआईआर आपके द्वार। अब हम प्रत्येक मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 थाने ऐसे लेंगे, उन 2 थानों में एफआईआर आपके द्वार को पूरे मध्य प्रदेश में आगामी कुछ महीनों में प्रारंभ करने जा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।